आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? नेहा चली गई। नेहा तो चली गई, नेहा का यहाँ पे क्या काम? तो आप नेहा को सोचना छोड़ दें, तो आप सिर्फ मुझे याद करें। सब क्लियर हो गया? आप सब ठीक है ना? वेलकम। फूल छूल भी हट गए, कमरा सेट हो गया, सब साफ हो गया। I'm sorry, मेरी वजह से आपको सारे फूल हटवाने पड़े। नहीं नहीं इट्स ओके, आप ही के लिए तो लगाए थे, आप ही की वजह से हटा दिए। वैसे हमारा क्या काम होता है फूलों से, तो लड़कियों की वजह से करते हैं। कोई याद तो नहीं आ रहा? नहीं। वो कहते हैं ना कि वो जब छींके आती हैं तो कोई याद आता है, तो एलर्जी। अगर अम्मी याद आ रही हैं तो उनसे मिलने चले जाते हैं तो? नहीं नहीं अच्छा अच्छा अब से हमारी शादी हो चुकी है तो आप क्या बुलाएंगी मेरे? जिसमें वो लड़कियां नहीं होती, वो बोलती हैं शादी के बाद के अजी सुनते हैं मेरे वो अजी सुनिए चिंटू के अब्बा, इस टाइप के नाम। चलो चिंटू तो टाइम है। आप किस नाम से पुकारेंगे? सरमद ही बुलाऊं। ये तो इतना सीरियस सा नाम है सरमद, कुछ छोटा सा स्वीट सा ना। सफी, दादा का नाम है सफी। नहीं नहीं सरमद ठीक है, सरमद ठीक है। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे दिल में छुपी हुई बेजारी दोनों घरों का सुकून बर्बाद कर देगी नेहा, मत करो ऐसा। आखिर क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ? आस होती हो तो अजियत देती हो, तुम्हारे दूर जाने का सोचता हूँ तो तभी मेरा सुकून बर्बाद हो जाता है। काश अब्बा आपके दिल से ये बेटे वाली हसरत निकाल सकती। आपको अंदाजा ही नहीं आपका बेटा बनने के लिए कितने महाजों पर अकेले लड़ती आई हूं आज तक। काश आप जान सकते, जब कोई बाप अपनी बेटी के सामने बेटा ना होने की हसरत का इजहार करता है तो उस बेटी को अपना वजूद सैकड़ों हिस्सों में कटा हुआ महसूस होता है। काश उन टुकड़ों को जोड़कर वो अपनी जिंस को तब्दील कर सकती जिससे उसके बाप की हसरत पूरी हो जाती। नेहा बाजी। हाँ महा भी याद आ रही है। क्यों? जब वो बालों में हाथ फेरती थी तो कितनी अच्छी नींद आती थी। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, सो जा चुप करके।